पिछले 10 साल में देश की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं उसका क्रेडिट दो नेताओं को जाता है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। विपक्ष इसीलिए बार बार मात खा जाता है क्योंकि ना तो उनके पास कोई नरेंद्र मोदी है ना ही उनके पास कोई अमित शाह है। जैसे नरेंद्र मोदी कोई दूसरा नहीं हो सकता, वैसे ही अमित शाह भी वन एंड ओनली ही है। अमित शाह आज 60 साल के हो गए, आज उनका बर्थडे है, तो उनके शाह से चाणक्य बनने का अनसुना चैप्टर पाठशाला में खोल रहा हूं, क्योंकि अमित शाह की यह अनसुनी कहानी बहुत दिलचस्प भी है। अमित शाह वो नेता हैं जो पिछले 40 सालों में बूथ वर्कर से देश के गृह मंत्री तक पहुंचे। भाई कई बार कुछ लोगों को लगता है अरे ऐसे ही बन गए गृहमंत्री, अथक परिश्रम है 40 साल का। भाई 25 साल से विधायक और सांसद है, 8 साल गुजरात सरकार में मंत्री रहे, 6 साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। आप सोचिए ये इस लेवल पर अमित शाह ने काम किया है। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से कब मिले, कैसे उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गए और देखते ही देखते पहले गुजरात और फिर देश की राजनीति में ये जोड़ी फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत कैसे हो गई। लेकिन पहले देखिए गुजरात से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले अमित शाह कैसे संसद हो या बाहर अपने बयानों से विरोधियों के छक्के छुड़ाने से नहीं चूक। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ, नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं लगा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना बोलने देते हैं आपको, अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले, बैठ जाओ। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मनीष तिवारी जी सार्वजनिक करे, कहाँ मांगा था, किसके पास मांगा? अपनी पत्नी के पास मांगने से सेना नहीं आता। इतने सीनियर सांसदों का बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट। क्रोधित नहीं होता हूँ भैया, समझाता हूँ। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। आप तो जज रहे हैं साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट ब्रदर, प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूँ कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूँ, बाकी गुस्से नहीं होता। अमित शाह का भी रोला है और अमित शाह का अपना जलवा भी है। बोलते हैं तो कभी कभी एकदम फायरी स्पीच दे देते, कभी कभी थोड़ा हंसते हंसते सुना देते, लेकिन ऐसे नेता कम ही दिखते हैं जो विरोधियों को पूरे तर्क के साथ, वो भी बिना कोई नोट पढ़े, जबरदस्त जवाब। संसद में अक्सर अमित शाह को ऐसा ही करते देखा गया। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है अमित शाह का काम करने का तरीका हो या फिर उनकी मेहनत हो, टिपिकल नेताओं से भी वो बिल्कुल अलग। राजनीति उनके लिए सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि वो राजनीति को जीते और इसी वजह से वो इतने सफल भी। लेकिन ये सफलता कोई एक दिन में, एक साल में नहीं आई, ये सफलता आई है उस मेहनत और संघर्ष से जो सालों साल अमित शाह ने की। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये 1987 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जब अमित शाह भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े ही थे और वहां से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। फिर ये तस्वीर देखिए 1989 वाली जो आपको दिखा रहा था, उसमें बीजेपी में अहमदाबाद शहर का सचिव उन्हें बनाया गया था, ये 87 वाली तस्वीर है। फिर 89 वाली डालिए, ये देखिए, तब वो शुरू शुरू में अहमदाबाद शहर के सचिव बने थे। 1995 में जब गुजरात में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो अमित शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था, ये तब की तस्वीर। फिर 1997 की तस्वीर देखिए, जब अमित शाह को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। 1997 में ही अमित शाह ने पहली बार गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर लगातार 5 बार विधायक। साल 1998 में सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्हें गुजरात बीजेपी का सचिव बना दिया गया था। इसके अगले ही साल यानी साल 1999 में
अमित शाह गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष चुन लिए गए। साल 2000 आते आते अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सबसे युवा चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए। 2001 में अमित शाह को बीजेपी की कोऑपरेटिव विंग का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। साल 2002 में अमित शाह पहली बार गुजरात सरकार में मंत्री बने और उन्हें गुजरात के गृह मंत्री की अहम जिम्मेदारी मिली। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी हूं, और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता हूं। लोगों को लगता है अरे बस ऐसे ही बन गए नेता, मोदी जी आए उन्होंने कहा ए अमित शाह जी तुम आप जो है वो एक काम कीजिए गृह मंत्री बन गए। आप सोचिए कि संगठन में काम करते हुए और एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते हुए अमित शाह आज इस मकाम पर पहुंचे। पुरानी तस्वीरें देखिए बॉस, ये 1991 की तस्वीर है जब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के बगल में बैठे हैं और पीछे जो व्यक्ति खड़े हैं आप देखिए वो अमित शाह हैं। लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में इस लेवल पे मेहनत करते करते आज अमित शाह यहां पहुंचे हैं। उनके पास कोई सरनेम नहीं है कि सरनेम के बदौलत कुछ भी हुआ तो भाई आगे तो बढ़ना ही है। उन्होंने काम से अपने आप को बनाया। उस वक्त अमित शाह बीजेपी के युवा कार्यकर्ता थे और आज अमित शाह इसी गांधीनगर सीट से लगातार दूसरी बार सांसद बनकर देश के गृहमंत्री। 1990 के दौर में जब लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से चुनाव लड़ा करते थे तो उनके चुनाव की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी उठाते थे और नरेंद्र मोदी के साथ तब हर कदम पर अमित शाह होते थे। ये साथ आज तक बना हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी से पहली बार अमित शाह कब मिले ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। आज से करीब 42 साल पहले यानी साल 1982 में अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले, जिसके बारे में अमित शाह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी। अहमदाबाद के नारनपुरा में संघ की शाखा में यह मुलाकात हुई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी 30 साल के थे और गुजरात के 3 जिलों में आरएसएस के जिला प्रभारी थे जिसमें अहमदाबाद भी शामिल। 42 साल पहले जब अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह जोड़ी आगे चलकर इतिहास रचेगी। बताया जाता है कि उस वक्त आरएसएस में प्रचारक का काम संभाल रहे नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी में जाने के लिए कहा गया तो इस बारे में उन्होंने सबसे पहले अमित शाह को बताया था और उनसे ही मशवरा लिया था कि बताइए क्या करना चाहिए। सोचिए तब से इनकी बॉन्डिंग। आज अमित शाह के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के लिए उनके योगदान की तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अमित शाह जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे एक मेहनती नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन भाजपा को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपनी रणनीति से जिस तरह इंडी गठबंधन के पसीने छुड़ा रखे वो तो सब जानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते कि ये जोड़ी 37 साल से सियासी कमाल कर रही है। आपको 1987 के चुनाव की एक बात बताता हूं। उसी साल 1987 में नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव बनाया गया था और उनकी नियुक्ति के बाद ही अहमदाबाद में नगर निगम चुनाव का ऐलान हुआ। इसी साल अमित शाह भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बन गई। ये चुनाव एक तरह से नरेंद्र मोदी के गुजरात और पार्टी में अपनी नई पहचान बनाने का बड़ा मौका था, इसलिए नरेंद्र मोदी चुनावों में बीजेपी की जीत तय करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। इस मेहनत में अमित शाह उनके साथी और सारथी बनकर उभरे। अहमदाबाद नगर निगम चुनावों में मोदी और शाह की जोड़ी ने एक एक वार्ड के चुनाव की तैयारियों का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी स्कूटर पर भर शहर का दौरा करते थे। अमित शाह स्कूटर चलाते थे जबकि नरेंद्र मोदी स्कूटर पर पीछे बैठे होते थे। दोनों नेता अहमदाबाद की हर गली में जाकर खुद देखते थे कि हर गली और चौक चौराहे पर बीजेपी नेता और कैंडिडेट के पोस्टर चिपके हैं या नहीं। अगर पोस्टर नहीं मिलते थे तो पोस्टर भी खुद चिपकाते थे। आप सोचिए किस लेवल पर, नीचे लेवल पर काम करते करते ये लोग ऊपर पहुंचे। इस जोड़ी की मेहनत रंग भी लाई और बीजेपी ने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। तब से ये लोग सियासी कमाल कर रहे हैं। बीजेपी की ये जीत गुजरात में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काउंटडाउन साबित हुई और कुछ सालों बाद 1990 में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में शानदार जीत के बाद अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक आर्टिकल लिखा था
कि चुनाव का प्रभार मिलने के बाद नरेंद्र भाई ने ऊंचे टारगेट रखना और सटीक योजना बनाना सिखाया। कई मायनों में उन्होंने चुनाव और चुनाव प्रचार पर नए सिरे से विचार करने और नए तरीके से रणनीति बनाने में मदद की। नरेंद्र भाई की रणनीति का मूल आधार सरल था, चुनाव के लिए पार्टी और संघ के नेटवर्क की ताकत और क्षमताओं को जुटाना और इसे इस्तेमाल करना। इसका परिणाम आश्चर्यजनक था। बीजेपी ने नगर निगम की ज्यादातर सीटों के साथ साथ मेयर पद पर भी जीत हासिल कर ली। आप सोचिए, ये जो कई लोग कह रहे हैं, अरे नरेंद्र मोदी ने 400 का टारगेट रखा था, ये ऊंचे टारगेट रखना, उसके लिए पूरी मेहनत करना, गुजरात में रिकॉर्ड जीत हासिल करो, मध्य प्रदेश में फिर से करके दिखाओ, छत्तीसगढ़ में करो, ये जो नरेंद्र मोदी बार बार अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हैं, ये आज से नहीं बॉस, अमित शाह तब बता रहे कि तब से कर रहे थे नगर निगम के चुनाव से, कि टारगेट ऊंचा रखोगे तब ना ऊपर जाओगे। और भी अमित शाह 37 साल पहले नरेंद्र मोदी से मिले जीत के इस मंत्र को आज भी फॉलो कर रहे हैं। अमित शाह का कहना है कि पार्टी की ताकत बड़े नेता नहीं, बूथ अध्यक्ष होता है। सुनिए अमित शाह को। पार्टी इसकी मूल इकाई ही हमारा कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मेरा बूथ का मालिक, मेरा बूथ का अध्यक्ष होता है। जब बूथ के कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं, अच्छों अच्छों को मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है भाइयों। राजनीति में समय का पहिया कब कहां कैसे घूम जाता है कहना मुश्किल। ऐसा ही एक समय अमित शाह की जिंदगी में भी आया। भाई बहुत लोगों को लग रहा है मेहनत किए आगे बढ़े, जीवन में कुछ कष्ट ही नहीं सहे, ऐसा नहीं है। साल 2010 का वक्त था, गुजरात में हुए शोराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर केस की जांच में सीबीआई ने अमित शाह को आरोपी बना दिया। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे। 25 जुलाई को सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार किया। 3 महीने वो जेल में रहे, उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर अक्टूबर 2010 में उन्हें जमानत मिली। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अक्टूबर 2010 से सितंबर 2012 तक गुजरात की सीमा से दूर रहने के लिए कहा गया। सबको पता था कि कांग्रेस उस वक्त अमित शाह को टारगेट कर रही है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कांग्रेस एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, कर रही है। साल 2015 में सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि केस राजनीति से प्रेरित था। एक बार सुनिए इस केस में जमानत मिलने के बाद अमित शाह ने क्या कहा था। अंततोगत्वा सत्य का ही विजय होता है और मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे सीबीआई ने, मैंने पहले दिन से कहा था झूठे हैं, न्याय की अदालत में टिक नहीं सकते और आगे भी जब ये केस चलेगा तब ये सिद्ध हो जाएगा कि बिल्कुल राजकीय द्वेष से प्रेरित मुझ पर ये केस दायर किया गया था और न्याय की अदालत में भी ये सिद्ध हो जाएगा कि राजकीय द्वेष से प्रेरित ये केस था। कहीं पर भी केस चले, केस में कोई दम नहीं है, केस को खारिज होना है, इसलिए मैंने ही कहा था कि बाहर की अदालत में चला जाए। अमित शाह दो महापुरुषों को बहुत मानते हैं, एक है चाणक्य और दूसरे हैं वीर सावरकर। दोनों महापुरुषों की तस्वीरें अमित शाह के बंगले में दीवार पर टंगी हुई रहती। ब्रिटिश इतिहासकार और लेखक पैट्रिक फ्रेंच ने 2016 में अमित शाह का इंटरव्यू लिया था तो चाणक्य और सावरकर पर सवाल पूछा। इस पर अमित शाह ने कहा था कि वो सावरकर को फॉलो करते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व के कट्टर अनुयायी हैं और चाणक्य को इसलिए मानते हैं क्योंकि चाणक्य के दिए गए ज्ञान में शासन प्रशासन चलाने के सारे मंत्र हैं। इसी इंटरव्यू में अमित शाह ने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डिटेल में बताया कि उनके परदादा मानसा रजवाड़े के नगर सेठ। मानसा अहमदाबाद के पास एक छोटी रियासत थी। अमित शाह के परदादा इस रियासत के राजाओं को व्यापार के मामले में सलाह देते थे। इसके बाद की पीढ़ियों में अमित शाह के पिताजी मुंबई आकर रहने लगे और मुंबई में ही अमित शाह का जन्म हुआ। लेकिन अमित शाह के दादाजी चाहते थे कि वो मानसा में आकर पले बढ़े, इसलिए अमित शाह मानसा आ गए और 16 साल की उम्र तक मानसा में ही रहे। फिर शुरुआती पढ़ाई लिखाई की वहीं पर। इसके बाद इनका परिवार अहमदाबाद आ गया। उस समय पिताजी इनके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ब्रोकर का काम करते थे और अमित शाह का कॉलेज में एडमिशन हो गया जहां उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की। लेकिन अमित शाह ने खुद बताया कि उनका मन औपचारिक शिक्षा में ज्यादा लगता नहीं था और उनका इतिहास के किस्से कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। अमित शाह की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो आपने जान लिया, अब उनके बचपन की कुछ तस्वीरें भी देखिए। ये है अमित शाह। आपने अमित शाह की आज की तस्वीर तो देखी है लेकिन ये बचपन की अमित शाह की तस्वीर है।
जो आज देश के गृहमंत्री बन गए। ये अमित शाह के स्कूल के दिन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब इस तस्वीर को भी देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये अमित शाह की शादी की तस्वीर है। अमित शाह की शादी साल 1987 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली सोनल से हुई। सोनल जी के कोल्हापुर से होने की वजह से गृहमंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र का दामाद भी कहा जाता है एक तरीके से। एक इंटरव्यू में अमित शाह के बारे में उनके एक पुराने दोस्त के हवाले से लिखा गया कि अमित शाह अपनी पढ़ने लिखने को लेकर अपने पढ़ने लिखने को बहुत कम आंकते हैं, जबकि सच ये है कि अमित शाह आदि शंकराचार्य के दर्शन के जानकार हैं। हिंदू दर्शन के बारे में उनको ऐसी जानकारी है जो दूसरों को भी नहीं होगी। उनका दिमाग दूसरों से बहुत अलग तरीके से काम करता है। अमित शाह जब 18 साल के थे तब उन्होंने प्लास्टिक और पीवीसी पाइप का काम बिना पिताजी से पैसे लिए खुद शुरू कर दिया था। 1995 तक उन्होंने अलग अलग तरीके के बिजनेस किए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर वो नेता नहीं बनते तो कोई ना कोई तो बिजनेस कर ही रहे हो। अमित शाह की कुछ और खासियतें जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है वो भी आपको बताता हूं। पैट्रिक फ्रेंच को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि 1980 से हर दिन वो डायरी लिखते हैं। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो समय के पाबंद हैं लेकिन कभी हाथ में घड़ी नहीं पहनते। बहुत कम लोगों को पता है कि अमित शाह को गुरुदत्त की फिल्में और साहिर की लिखी नज़में पसंद। कहा जाता है कि अपने कॉलेज के दिनों में अमित शाह एक गीत से इतना प्रभावित थे कि साहिर से मिलने की कोशिश में मुंबई तक पहुंच गए थे। खाने के उनके शौक के बारे में अहमदाबाद में उनके नारनपुरा के पड़ोसी बताते हैं कि एक बार तो गोलगप्पे वाले को बुलाकर पूरी कॉलोनी को गोलगप्पे खिला दिए थे अमित शाह ने। यह भी बताया जाता है कि अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष नहीं बने उससे पहले दिल्ली में अक्सर सोनीपत रोड के सटे ढाबों में खाने के लिए भी चले जाते थे। तो खाने पीने का बहुत शौक भी रहा है उनको। लेकिन आज उनके जन्मदिन पर यह चैप्टर जब खोल रहा हूं, आपको ये बातें बता रहा हूं, तो आपको देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसे संघर्ष कर करके बिल्कुल नीचे से उठकर आज यहां तक पहुंचा है, बिना किसी पारिवारिक विरासत के, किसी राजनीतिक विरासत के, बिना किसी सरनेम वाली पॉलिटिक्स। यह है बीजेपी में काम करने का तरीका। और इसीलिए जब सवाल उठते हैं ना कि भाई राहुल गांधी क्यों नहीं कर पाते, उनके पास यह अनुभव नहीं है। उनकी भी गलती नहीं है कि वो गांधी परिवार में पैदा हो, लेकिन उनके पास यह अनुभव नहीं है जो अमित शाह नरेंद्र मोदी के पास है। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये लोग 40-40 साल से जमीन पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इस उम्र में जाकर 50 साल के हो जाने के बाद वो निकलते हैं जमीन पर ढूंढने कि कहां है इंडिया, में जरा देखूं, भारत जोड़ देता हूं मैं। उनका मूड करता है वो भारत जोड़ने निकल जाते। ये लोग वो लोग हैं जो राहुल गांधी की जितनी उम्र है उससे आधे से ज्यादा उम्र तो ये लोग जमीन पे घिस दिए काम करते करते। इतनी रगड़ाई, इतनी घिसाई के बाद जब कोई ऐसा नेता बनता है तो उसको समझ में आता है कि कार्यकर्ता क्या चाहता है, उसको समझ में आता है कि सेंटिमेंट जमीन पर क्या है, उसको समझ में आता है कि पार्टी को कैसे साथ लेके चलना है, कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है, कैसे कार्यकर्ता मैनेजमेंट करना है, कैसे संघ का अनुशासन साथ में लेके चलना है। इसलिए मोदी शाह की जोड़ी कोई रातों रात नहीं बनी है बॉस, ये लोग रातों रात नहीं बने, इन्होंने अपना जीवन खपाया है। और इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी को क्या आता है, दिन रात उनको चुनाव दिखता है, वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। वो इसलिए करते हैं बॉस क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना लक्ष्य सेट किया है, उनके लिए वो जरूरी है। उन्होंने 40 साल 45 साल 50 साल जीवन के दिए हैं देश को वहां पहुंचाने के लिए। ये थोड़े ही कि एक चुनाव हुआ उसके बाद छुट्टी मनाने विदेश चले गए।